हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पलाइन। कहते हैं आप लोग, तो फाइनली आप लोग को पता है कि आज इग्नू का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, 12th अपडेट आज हुआ है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं अपडेट कर सकूँ कि इस रिजल्ट में कौन कौन सा पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और कौन कौन सा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप लोग को पता ही है कि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो मैं उस दिन दो वीडियो एटलीस्ट बनाता हूँ। एक तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आप लोग चेक कर लीजिए, और दूसरा रिजल्ट जिसमें मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। क्योंकि मेरे पास भी मैंने 200-300 कम से कम इनरोलमेंट नंबर का लिस्ट है डिफरेंट रीजनल सेंटर का, डिफरेंट प्रोग्राम का। तो उस लिस्ट से मैं एक मरतबा चेक करके आप लोग को एक लिस्ट बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट का आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो यही सब लिस्ट बनाने के चक्कर में मुझे कॉमेंट का आंसर देने का वक्त नहीं मिला, सो आई होप यू ऑल डोंट माइंड। तो देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि रिजल्ट कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन उनका जवाब मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं। मैं लेकिन रात तक आप लोग का, मैक्सिमम लोगों का जवाब दे दूंगा, जो भी जिनका भी क्वेरीज है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन सा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, पहले मैं कुछ कुछ बात है जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता दूं कि ग्रेड कार्ड अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। अभी 5 सितंबर का ही है, कल चांसेस है कि ग्रेड कार्ड अपडेट हो जाएगा, और कल ये भी चांसेस है, जस्ट थोड़ा सा चांसेस है कि कल एक दिन का एक अपडेट आ सकता है, गारंटी नहीं है, चांसेस है। ठीक है, क्योंकि अभी इस बार इग्नू के ऊपर कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है, कल भी आ सकता है और नहीं तो नेक्स्ट अपडेट और भी कुछ दिनों बाद आएगा। ठीक है, दूसरा बात यह है कि जो लोग भी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग भी कोलकाता रीजन के हैं, यानी कि ईस्टर्न रीजन के हैं, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे इस तरफ है, जिनका इवेल्युएशन सेंटर बागोई घाटी है, तो उनका मैं आप लोग को बता दूं कि उन लोग का कोलकाता रीजन में, ईस्टर्न रीजन में सबका रिजल्ट निकलने में बहुत लेट हो रहा है, या मे बी ये भी हो रहा है कि बहुत सारे मैक्सिमम जो ईस्टर्न रीजन के हैं उनके एक भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। उसका वजह यह है कि इवेल्युएशन सेंटर, मैंने जहां तक अभी मुझे पता चला है, इसका ऑफिशियल खबर नहीं है मुझे, लेकिन मुझे पता चला है सर्टेन सोर्स से कि वहां से इवेल्युएशन सेंटर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, बागोईहाटी से, तो इस चक्कर में, क्योंकि पेपर आप लोगों को पता है कि इवेल्युएशन सेंटर में ही चेक होता है, तो इस वजह से कोलकाता का जो भी है या ईस्टर्न रीजन का जितने भी है, उड़ीसा और कैलकाटा या इधर का ईस्टर्न रीजन का जितना है, उसमें थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। ठीक है, और बाकी सब सारा अपडेट मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ। ठीक है, MHI ये सब जितना रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो आप कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन कौन सा रिजल्ट इस अपडेट में अपडेट हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है, ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ लिस्ट है। ठीक है, अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, और इस बार मैंने क्या किया है कि मिक्सअप कर दिया सभी कोड को। ठीक है, नहीं तो क्या होता था कि अगर मैं BA का कर रहा हूँ तो सिर्फ BA का ही कर रहा हूँ, तो बाकी और सारे प्रोग्राम रुके रहते थे या वो लोग को स्किप करना पड़ता था वीडियो, इसलिए मैंने मिक्सअप कर दिया है कि आप सभी लोग का पता चलते रहे, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिक्सअप है। ठीक है, तो सबसे शुरू में MLI 101, MLI E106 MLIS प्रोग्राम के, क्योंकि ये लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इनका रिजल्ट डिक्लेयर होने का, और फाइनली इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है, BLIS 222 हमारे सब्सक्राइबर में बहुत सारे हैं, तो जो कैलकाटा रीजन के हैं उनके अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा इशू चल रहा है अभी, तो उस वजह से आप लोग का कुछ अपडेट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन BLIS 222 आज भी अपडेट हुए हैं बहुत सारे। EPS 11, ठीक है, EPS 11 रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। ANC 01, BEG 101, ECO 9 के अपडेट हुए हैं। देखिए, अच्छा, BDP के बारे में मैं ज्यादा आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि BDP के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और मैक्सिमम सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ ही कुछ जो इस अपडेट में अपडेट हुआ, बस मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए, ECO 9 के अपडेट हुए हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, EPS के अपडेट हुए हैं, MEG को लेके बहुत लोग पूछ रहे थे कि MEG का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं। MEG 1 का अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है, MEG 1 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। MEG 3, MEG 6, MEG 7, MEG 10, MEG 11, ठीक है, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है आज। ठीक है, कौन कौन सा हुआ, MEG 3, 6, 7, 10, ठीक है, 11, MPA का 11, MPA 11, MPA 12, MPA 14, सब आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। AED 101, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि AED के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, तो AED के रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अच्छा, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो उसमें से कुछ ये भी पूछ रहे थे कि मेरा रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया लेकिन मार्क्स बहुत कम है, तो उनके लिए यहाँ पे कार्ड में आप देख लीजिए, रिवेल्युएशन के लिए मैंने वीडियो बनाया है, रिवेल्युएशन के लिए आप अप्लाई कीजिए या फोटोकॉपी आप आंसर शीट का ले सकते हैं। ठीक है, दोनों का ही वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहां पे देख लीजिए, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब AED हो गया, BSD 101, BG 102, ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट है। FST मैं खासकर बोलूंगा, बहुत सारे लोगों का भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो FST आज भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ESO 14, BG 103, EPS 11,
ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को ऐसे थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, अगर आप लोग को ये वीडियो नहीं देखना है या यहाँ पे अगर आप आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी लिखिए, मैं ये लिस्ट आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे आराम से घर पे बैठ के जब भी मन करे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना मिला लीजिएगा कि इस अपडेट में आया है कि नहीं, ठीक है। अच्छा तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज देखिए इसको, वीडियो आप लोग को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो FST01, FEG01, FEG02 ये सब लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। EEG06, MPS001, MPS002, MPSC003, MPS04 ये सब के भी आज अपडेट हुए हैं। ये जो लिस्ट है वही मैं बता रहा हूँ जो आज रिजल्ट डिक्लेयर हुए, ठीक है। EHE01, ECO2, ECO7, ECO3, ECO5, ECO12, ECO13, ECO14, तो ECO के सारे इकोनॉमिक जितने भी थे ECO के सारे ही अपडेट ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो वेट कर सकते हैं, या तो अगर आपने कोई चीटिंग वीटिंग किया तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, और अगर आपने नहीं किया तो आपका रिजल्ट थोड़ा दिन और रुक जाइए, अब तो देखिए कि रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो EPA01, BEG107, IBO01, 02, 03, 05, 06 IBO के जितने सारे हैं इनकम के, तो उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। EPS3, ANC01, EHI07, BEG107, MSO01, MSO02, ESO12, FST01, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा सारा लिस्ट है, तो अगर मैं सारा ही बताना अगर स्टार्ट करूँ तो वीडियो एक घंटा का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट थोड़ा सा किया है। साइंस में LSC09, LSC07, MT2, MT मैथ्स के सिर्फ वही हुए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं हुए हैं, और खासकर रीजनल सेंटर जिनका ईस्टर्न रीजन है तो उनका तो हुआ ही नहीं है कुछ भी अपडेट, सॉरी। तो MT4, MT5 ये सब अपडेट हो गए हैं। और मैं आप लोग को बता दूं ये है लिस्ट अभी, ठीक है, जो आज के अपडेट हुए हैं, ठीक है, उसमें ये सब अपडेट हुए हैं। BSHF 101 उसका मैं बोलना भूल गया, तो BSHF 101 भी आज अपडेट हुए हैं, ठीक है। और MEG1 मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उस वो लोग हमेशा ये बात पूछ रहे हैं कि MEG1 का आया या नहीं आया, मुझे उनका नाम याद नहीं है सर अभी, तो MEG1 का अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो आपको और थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये सब सारे लिस्ट है, अगर आप लोग को ये लिस्ट चाहिए ये वाला लिस्ट, तो मैं सिर्फ ये नोट पैड में रहेगा, तो इसका एक टेक्स्ट फाइल मैं आप लोग को चाहिए तो आप लोग को मैं भेज दूंगा मेल पे, तो आप मेल आईडी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे वहां पे मैं आप लोग को बता दूंगा। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर आप लोग के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग तो मेरे लिए कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का अपडेट में इंपॉर्टेंट चीज, जिसका जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उनके लिए और कोई ऑप्शंस नहीं है, मुझे खुद आप लोगों के लिए खराब लग रहा है क्योंकि इस बार ये पहली बार हो रहा है आप लोग, और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग इग्नू को भला बुरा मत कहिए, ठीक है। कोई एक गलती की वजह से आप लोग किसी यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लोग को सर्कमस्टेंसेस नहीं पता है ना कि क्या क्या चीज हो रहा है क्या, हम लोग बस मुंह से बोल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मत बोलिए, आपका ही यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो एक बार ही ऐसा हो रहा है, जो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो वजह हुआ होगा, इसलिए तो इस बार ऐसा हो रहा है ना, नहीं तो हमेशा तो नहीं होता है। आप लोग भी पता है, मैं भी इग्नू से 6 साल से एसोसिएटेड हूँ, तो मुझे भी पता है कि ऐसा कभी नहीं होता है, इस बार जरूर कुछ वजह है। तो आप लोग कम से कम ये चीज इग्नू के बारे में भला बुरा ना कहे, ठीक है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये सब अपडेट है, नेक्स्ट अपडेट जब भी आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही है आज के अपडेट में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे। और कोई भी कमेंट होगा तो आप नीचे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।